और हमारे बीच संदीप रघुनाथ सर, मेरी आप सबसे सिंह साहब ने और एमपी साहब ने आप लोगों ने इतना इंटरव्यू भी ले लिया है, बहुत सपोर्ट कर रही है। टोयोटा इलेक्ट्रिक कंपनी का हरियाणा के बाद बिहार के कटिहार में लगेगा दूसरा असेंबलिंग और चार्जिंग प्लांट। इसको लेकर कटिहार जिले के कोलासी में किया गया भूमि पूजन। वहीं कंपनी के सीएमडी संदीप ललन ने बताया कि हमारा दूसरा प्लांट असेंबलिंग एवं चार्जिंग का कटिहार की कोलासी में लगने जा रहा है। और श्री संदीप ने बताया कि इस प्लांट से इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक एवं ई लोडर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश एवं अन्य सारे शहरों और आसपास के राज्यों को सप्लाई किया जाएगा और 1,00,000 से अधिक युवा पीढ़ी को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराया जाएगा तथा चार्जिंग स्टेशन जगह जगह पर लगाए जाएंगे। वहीं इस भूमि पूजन कार्यक्रम में कंपनी के सीईओ रलहान संदीप, मार्केटिंग हेड मुक्तिका एकी सिंह जी, हीरालाल राही, राजीव रंजन, जय चक्रवर्ती, उमेश कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। सभी से आग्रह है कटिहार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। कटिहार जी, कल हमारा भूमि पूजन हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने जा रहे हैं रेटो इलेक्ट्रिक्स कंपनी। हमारा पहला प्लांट हरियाणा के अंदर है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1,00,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा जो है प्लान है। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार 1,00,000 लोगों को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से हम लोग झारखंड, नेपाल, बाकी स्टेट्स के अंदर नॉर्थ ईस्ट सारा स्टेट्स, ये असेंबली यूनिट जो हम लगा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट सारा स्टेट्स यहाँ से कवर होगा। सारा का सारा यहाँ से सप्लाई चेन लाइन बनेगा अक्रॉस इंडिया के अंदर। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, 100% इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं। सबसे बड़ी बात, जो कंपनी का विजन है वो बियॉन्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन लगाने का है। आज की डेट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जब भी एक व्यक्ति स्कूटर को लेके, इलेक्ट्रिकल स्कूटर को लेके निकलता है तो उसकी माइलेज जो है वो लिमिटेड है। जैसे कि जब बोला जाता है कोई भी कंपनी का, चाहे हमारी हो या कोई भी कंपनी हो, कि इसका 70 का माइलेज है या 100 का माइलेज है, तो उसके आगे वहाँ पे ना तो कोई पेट्रोल पंप है ना चार्जिंग स्टेशन। हमारी कंपनी रियोटो इलेक्ट्रिक्स चार्जिंग स्टेशन आज ही लॉन्च कर रही है। ये अक्रॉस हाईवेज के ऊपर चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। इसका डीलर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से इसका पूरा का नेटवर्किंग जाल बिछेगा और बहुत ही कम रेट्स के अंदर मात्र 6,750 रुपये के अंदर सब्सिडाइज रेट्स पे हम चार्जिंग स्टेशन लॉन्च कर रहे हैं। आज के बाद जो भी व्यक्ति आज इलेक्ट्रिकल स्कूटर लेके निकलता है तो उसे ये दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है कि उसे कितनी माइलेज की उसकी क्षमता है और कितनी नहीं, क्योंकि जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे। जिस तरह से एक समय पर पेटीएम का रेवोल्यूशन आया था, उसी तरह से आज हम लोग यहाँ चार्जिंग स्टेशंस का रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। छोटी छोटी जगहों पे, पंचर वालों के पास, पनवाड़ी के पास, चाय वालों के पास, ढाबे वालों के पास, हाईवे पे, सिटी के अंदर हर जगह चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। ये ऐप बेस्ड रहेगा, जैसे ऐप के बेस के हम लोग सब कुछ ट्रैक कर लेते हैं। सबके पास इसका ऐप डाउनलोड करना होगा ई वोल्ट के नाम से। ऐप डाउनलोड होते ही आपके मोबाइल के अंदर कहाँ कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, कितने चार्जिंग स्टेशन लगे हैं, वो कितना चार्ज कर रहे हैं पर घंटे की चार्जिंग का, और कितने चार्जिंग स्टेशन फ्री हैं और कितने अभी खाली हैं, कितना क्या क्या होगा, एक मिनट में बता रहा हूँ सर। तो कितना हर जगह पे जो चार्जिंग स्टेशन हैं पूरा जाल बिछ जाएगा। कभी भी किसी भी ब्रांड के, सिर्फ रियोटो के नहीं, किसी भी ब्रांड के ई रिक्शा वाले जाके, स्कूटर वाले जाके, मोटरसाइकिल वाले जाके वहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं। यहाँ से लेके नेपाल तक हम लोग झारखंड तक प्लान कर रहे हैं पूरे चार्जिंग स्टेशन ई वोल्ट का जाल बिछाने का। पर ईयर कितना टारगेट किया गया जी? पर ईयर कितना टारगेट किया गया, कितने राइडर्स को आप लोग प्रोवाइड कर पाएंगे पर ईयर? सर देखिए, मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ चार्जिंग स्टेशंस की, राइडर्स अपने आप आ जाएंगे। पहले साल में 25,000 यूनिट की
हम लोग प्लान कर रहे हैं सेल करने का इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स को। रिवर्स गियर टेक्नोलॉजी है इस इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स के अंदर, क्रूज कंट्रोल है, बड़ी 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 प्रीमियम गाड़ियों के अंदर क्रूज कंट्रोल होता है रेस को कंट्रोल करने के लिए। रिवर्स गियर बताया आपको, एंटी थेफ्ट है इसके अंदर, 100% इंश्योरेंस का कवर दिया गया है, LED लाइट लगी हैं, डिस्क ब्रेक लगाई गई है इन स्कूटर्स के अंदर। तो हर तरह से ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के स्कूटर्स को हमने बनाया है। 100% लिथियम बैटरी, 3 साल की वारंटी है, 5 साल की लाइफ रहेगी लेकिन 3 साल की वारंटी है लिथियम बैटरी के ऊपर। 3 साल तक कस्टमर को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कंपनी के इंजीनियर्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी कंपनी की रियोटो इलेक्ट्रिक्स की है कि हम लोग होम सर्विस दे रहे हैं। किसी भी कस्टमर को डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं आना, एक रिंग के अंदर 1 से 2 घंटे के अंदर हमारे इंजीनियर उसके ऑफिस में, उसकी दुकान पर या उसके घर पर जाकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हर तरह से जो भी उसे कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। आप लगभग ये मानिए कि आज की डेट में 3 से 4 हज़ार रुपया महीने का एक पेट्रोल व्हीकल का स्कूटर पे खर्चा आता है। अगर 5 साल भी ये गाड़ी चलती है तो लगभग 2.5 लाख रुपए की सेविंग एक कस्टमर जब ये आज स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदता है कंपनी से तो वो 2.5 लाख रुपए बचाता है, क्योंकि इसमें वो पेट्रोल को नहीं डालता, मोबिल ऑयल को नहीं डालता, आफ्टर सेल सर्विस नहीं है इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मनी सेव इज मनी अर्नड, जैसा कि हम लोग अक्सर बोलते हैं, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो कि हमें ओवरकम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात एयर पोल्यूशन से निजात, नॉइज पोल्यूशन से